वेलकम टू खान जायका, मैं हूँ हीना खान। तो आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट सॉस पास्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे बटर लिया है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। बटर जैसे ही मेल्ट हो, हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज बिल्कुल बारीक काट के। आप आपके अकॉर्डिंग स्पाइसीनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑल पर्पज फ्लावर, जो है मैदा। एक मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। भूनने से इसका जायका और बेहतर होता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पे दो चिकन क्यूब्स ऐड किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें सॉस को कुक करना है जब तक ये थिक ना हो जाए। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं दो चीज़ स्लाइसेस। आप यहाँ पे क्यूब्स या ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इससे टेस्ट और जायका बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और वेजीज में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम, कैरेट बिल्कुल बारीक काट के। अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन पीस, बॉइल्ड है ये। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न, ये भी बॉइल्ड है। कवर करके हमें इसे कुक करना है मिनिमम 10 मिनट्स के लिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, जो बॉइल्ड है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पास्ता। तो सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो भी हमने ऐड किया है, जैसे वेजीज है, चिकन है, आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल आप पे है। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मिक्स हर्ब, आप ओरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ऑलिव्स, आप यहाँ पे ग्रीन ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। और हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है, आप जो घर की मलाई होती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बिल्कुल सेम आता है। हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है और हमारा चिकन वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी है। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।